अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स के स्टेटमेंट्स को वैलिडेट करना सीख लिया है, बट कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रीवियस मेथड से वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही मेथड को वैलिडेट करने के लिए एक न्यू मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। माना कि कोई स्टेटमेंट पी गिवेन है जिसे हमें ट्रू प्रूफ करना है। हम इसके लिए यह एज्यूम करते हैं कि P इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स P एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब इस केस में नॉट P एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। इसके बाद हम फाइनली एक ऐसे कंक्लूजन पर आते हैं जिससे हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है और इस प्रकार जो हमें प्रूफ करना था वह ट्रू हो जाता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। हमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके यह वेरीफाई करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट पी को फॉल्स एज्यूम करते हैं, यानी नॉट पी को ट्रू मान लेते हैं, जो कि है रूट टू इज नॉट इरेशनल। इसका मतलब यह होगा कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। एंड हमें पता है कि सभी रैशनल नंबर्स a बाई बी के फॉर्म में होते हैं, जहां a और b इंटीजर्स होते हैं, सच दैट b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a तथा b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आगे सॉल्व करने पर रूट टू बी इज इक्वल टू a मिल जाता है, जिसके दोनों साइड स्क्वायर करने पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, अर्थात 2 ए को भी डिवाइड करता है। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2c एज्यूम कर लेते हैं, जहां c कोई इंटीजर है। ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर यह प्राप्त होता है, जिसे आगे सॉल्व करने पर 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिल जाता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि 2 बी को डिवाइड करता है। अब हम यह देख सकते हैं कि 2 a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। बट हमने यह एज्यूम किया था कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, जिस कारण दिया हुआ स्टेटमेंट p इज इक्वल टू रूट टू इज इरेशनल ट्रू हो जाता है। तो इस प्रकार हम दिए गए स्टेटमेंट को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके प्रूव कर लेते हैं। इस मेथड को काउंटर एग्जाम्पल मेथड भी कहा जाता है। आई होप कि आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या काउंटर एग्जाम्पल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा।